हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तड़का स्वादका में। आज हमारे तड़का स्वादका के किचन में बन रही है केसरिया खीर। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी केसरिया खीर। इसे आप बनाएंगे ना तो वाकई में आपकी फैमिली, आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। तो चलिए, इस खीर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए देखते हैं, और इसे कैसे बनाना है बनाना देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 लीटर अमूल का दूध है मेरे पास, इसे मैंने बॉईल करने रख दिया है। बॉइलिंग जब हो जाएगी इसकी, जब एक बॉईल आ जाएगा, इसमें एक बॉईल आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे कप में निकाल लूँगी, 1 कप दूध इसका। उसमें मेरे को केसर भिगोना है, ठीक है। तो इस टाइम हम अगर केसर भिगो देंगे तो वो अपना कलर और अपनी खुशबू दोनों इस दूध में छोड़ देगा, तो हम इसे बाद में मिलाएंगे जब तक कि हमारी खीर होती है। तो दूध को थोड़ा सा रिड्यूस और होने देंगे। और इसके साथ ही मैंने 1 बाउल राइस लिए हैं, भिगो कर लिए हैं। ये मेरे पास टूटे हुए थे, अगर आपके पास टूटे ना हो तो आप इसको थोड़ा सा मिक्सी में चला भी सकते हैं। इसी टाइम पे डाल देंगे और खीर को कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो नीचे ना बैठें और अच्छे से पक जाएं। जब हमारे चावल पकने लग जाएंगे तब उस स्टेज पे हम अपनी चीनी को ऐड करेंगे। इसे बिल्कुल भी जो है हिलाना छोड़े ना, और जो इसके साइड में खुरचन आती है ना उसे इसी में मिक्स करते जाएं। उससे एक रबड़ी का टेस्ट आता है, बहुत ही यूनिक टेस्ट लगता है, बहुत ही मस्त टेस्ट लगता है। तो इस खीर को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और साथ ही मैं क्या करूँगी, एक फ्राई पैन लूँगी ये मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है एक, इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी, और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जैसे कि बादाम है मेरे पास, थोड़ा सा पिस्ता है, थोड़ी सी किशमिश है। इसे मैं हल्के हल्के भून लूँगी, अच्छे से रोस्ट कर लूँगी घी में, और फिर हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। खीर पे भी ध्यान देंगे, खीर हमारी चलाते रहेंगे और इसकी साइड जो है रिमूव करते रहेंगे। खीर हमारी अच्छे से पक गई है, चावल मेरे अच्छे से पक गए हैं। आप अपने चावल को चेक कर लें कि पके हैं या नहीं पके। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1 बाउल शुगर का ऐड कर दूँगी। ये चीनी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली थी, लेकिन मेरे को लगा कहीं ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने रोक ली है थोड़ी सी। तो 1 बाउल के करीब मैंने चीनी इसमें डाल दी है, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही मैंने इलायची का पाउडर इसमें डाल दिया है, और इसी टाइम पर हम अपना वो जो केसर वाला दूध हमने भिगोया था ना, बस वही लेंगे और इसी टाइम हम उसको ऐड कर देंगे, ताकि हमारी खीर का जो कलर है और टेक्स्चर है वो यूनिक हो जाए और मज़ा ही आ जाएगा फिर आपको। तो इसी टाइम पे मैंने ये दूध ऐड कर दिया और इसको अच्छे से हिलाऊंगी मैं, थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी अच्छे से, थोड़ा सा रिड्यूस और हो जाएगा, ज़्यादा रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये गाढ़ी होगी। तो अच्छे से चलाते हुए मैंने इसको पका लिया है। मेरे को इसी टाइम पर हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हमने करे थे ना फ्राई, वो आधे इसमें डाल देंगे, थोड़े से गार्निश के लिए बचा लेंगे। बनाते हुए मेरे को इसको 40 मिनट के करीब हो गए हैं, और लगभग मेरी खीर पककर तैयार ही है। तो खीर मेरी तैयार है, बहुत रिड्यूस हो गया दूध इसका, बहुत कम हो गया। इसको चाहें तो आप इसी टाइम पे खा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसे डिश आउट करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो इसको खा के देखिएगा, इसका जो टेस्ट आएगा ना वो अलग ही मज़ा देगा आपको, बहुत ही यूनिक टेस्ट। ये खीर मैंने फ्रिज में से निकाल ली है, ठंडी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। इसके ऊपर एक मलाई की परत आ गई है, और ये मेरे पास चांदी का वर्क था, मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। तो ये ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं खीर को। और साथ ही इसके मैंने जो ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे वो गार्निश के लिए वो डाल दिए इसमें, और खीर मेरी बिल्कुल रेडी है। आप इंजॉय करें अपने मेहमानों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी ठंडी ठंडी खीर को एंजॉय करो। और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में कि खीर कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अपना प्यार और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।